दोस्तों, वैसे तो स्टार प्लस पर न जाने हर साल कितने सीरियल टेलीकास्ट किए जाते हैं, मगर इस समय स्टार प्लस के चैनल पर 10 सीरियल ऐसे लाइमलाइट में छाए हुए हैं जिन्होंने अपनी दमदार स्टार कास्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरी से दर्शकों को एंटरटेन करने का दोगुना डोज दिया है। इसी के चलते स्टार प्लस दर्शकों की पहली प्रेफरेंस बन गया है, जिसके शो को देखकर दर्शक खुद भी फैमिली को भी हर रोज एंटरटेन करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले उन सभी 10 सीरियल्स में से एक छुपा रुस्तम सीरियल ऐसा है जिसे स्टार प्लस पर नंबर 1 शो का खिताब दिया गया है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको स्टार प्लस के वर्तमान में चल रहे फेवरेट 10 शोज के बारे में बताकर अंत में उस नंबर 1 सीरियल से रूबरू करवाएंगे जो स्टार प्लस का नंबर 1 सीरियल है। नंबर 10 ये है चाहते हैं। सीरियल ये है चाहते में मुख्य तौर पर दो कलाकार अबरार काजी और सरगुन कौर लूथरा इस सीरियल में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इस सीरियल को अपने बेमिसाल अदायगी और एक्सप्रेशन के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में बसा दिया है। लेकिन सीरियल में और भी सुपरहिट आर्टिस्ट होने की वजह से शो को दर्शकों ने TRP की टॉप लिस्ट में रखा है, इसलिए तो ये स्टार प्लस का एक बेहतरीन सीरियल है। नंबर 9 मेहंदी है रचने वाली। जब से सीरियल मेहंदी है रचने वाली स्टार प्लस पर ऑन एयर हुआ है, तब से ऑडियंस किसी और दूसरे शो को देखना भूल गए हैं। जी हाँ, इस सीरियल की कहानी एक विधवा लड़की पल्लवी की है, जो कि एक बिजनेसमैन राघव रेड्डी से दोबारा शादी करके अपना घर बसाती है, और दर्शकों को यही न्यू कॉन्सेप्ट वाला सीरियल कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, तभी तो वो इस सीरियल को हर रोज किसी भी हालत में देखते हैं। नंबर 8 पांड्या स्टोर। साल 2021 में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ सीरियल पांड्या स्टोर ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें दर्शकों के फेवरेट एक्टर किंशुक महाजन काफी लंबे समय बाद दिख रहे हैं, जहां ये अपने पांड्या स्टोर को इस सीरियल में ऑल टाइम सेटल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ समय बाद टीवी पर दिखाई दिया है, जिसमें इस सीरियल के अंदर दर्शकों को एक यूनिकनेस दिखी है। नंबर 7 शौर्य और अनोखी की कहानी। दोस्तों, स्टार प्लस का ये सीरियल तो अब जब से ऑडियंस ने देखना शुरू किया है, तब से सीरियल की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये शो एक ऐसे रूढ़िवादी शौर्य नाम के लड़के का है, जो जब अनोखी नाम की लड़की से मिलता है तो उसकी नैरो माइंडेड सारी मेंटालिटी बदल जाती है। वहीं इस दमदार सीरियल को छोटे पर्दे पर प्ले कर रहे हैं एक्टर करणवीर शर्मा और एक्ट्रेस देवात्मा शाह, जिनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। नंबर 6 आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस के फेवरेट सीरियल की लिस्ट में शो आपकी नजरों ने समझा को भी टॉप पर रखा गया है, जहां हिंदी ऑडियंस का अच्छा खासा रिस्पांस इस सीरियल की कहानी और स्टार कास्ट को मिल रहा है। वहीं इस शो में लीड के तौर पर बेहतरीन कलाकार ऋचा राठौर और विजेंद्र कुमेरिया दिख रहे हैं, जिनकी लव स्टोरी और नोकझोंक देखकर तो ऑडियंस पगला सी गई है। तभी तो आपकी नजरों ने समझा सीरियल को दर्शक सिर आंखों पर बिठा कर रखे हुए हैं। नंबर 5 साथ निभाना साथ या 2। दोस्तों, ये बात तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि स्टार प्लस का अगर कोई सबसे टॉप लिस्ट का सीरियल था तो वो था साथ निभाना साथ या। मगर जैसे ही दर्शकों में इसके सेकंड सीजन को देखने की खुमारी चढ़ी है, तो उन्हें इस सीजन में भी अपनी गोपी बहू की जैसे दिखने वाली यानी की संस्कारी गहना का चाल चलन और पहनावा इतना भा गया कि पुरानी ऑडियंस आज भी सीरियल को नए कंटेंट के साथ बैठकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है। नंबर 4 इमली। वेल, इस सीरियल के बारे में क्या कहें जो ऑलरेडी ही दर्शकों के दिलों में घर करके बैठा है। जी हाँ, इस सीरियल में एक्टर कश्मीर महाजनी, मयूरी देशमुख, किरण खोजे, ऋतु चौधरी, ज्योति गोबा जैसे सुपर एक्टर एक साथ काम करते हुए एक ही सेट पर दिखाई दे रहे हैं। इन सब की आपस की ट्यूनिंग इस सीरियल को TRP के मामले में पहुंचा चुकी है काफी ऊपर, जिसकी वजह से इस सीरियल को दर्शक अपने डेली नाइट शो की लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। नंबर 3 गुम है किसी के प्यार में। नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह सीरियल गुम है किसी के प्यार में वो कमाल की अदाकारी करते दिख रहे हैं, जो अभी तक किसी दूसरे कलाकार ने इस चैनल पर काम करके क्रिएट नहीं किया। जी हाँ, इस सीरियल की कहानी एक IPS ऑफिसर और एक सिंपल लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे आम जनता अपने रिलेशनशिप और रिश्तों को रिलेट कर पा रही है, इसलिए इस मजेदार सीरियल को जनता की वोटिंग के आधार पर तीसरे नंबर पर रखा गया है। नंबर 2 ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है आज से नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से एंटरटेन कर रहा है। इस सीरियल का एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं जिसने अपनी एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी के जरिए
ऑडियंस को इम्प्रेस ना किया हो। चाहे वो अक्षरा का किरदार निभाने वाली हिना खान हो या फिर नायरा का किरदार निभाने वाली शिवांगी जोशी। वही मल्टी स्टार कास्ट होने की वजह से इस सीरियल को ऑडियंस का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नंबर वन अनुपमा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का नंबर वन शो अनुपमा ही है, क्योंकि जब से सीरियल ने अपनी इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए छोटे पर्दे के एक्सलेंट कलाकारों को एक साथ जमा किया है, तब से ये शो दर्शकों की पहली पसंद बन चुका है। वहीं सीरियल में काव्या और अनुपमा के बीच में वनराज की झूलती हुई नैया इस पार जाती है या फिर उस पार, यही सीरियल का मेन कॉन्सेप्ट है। और दर्शकों को इस शो को हर रोज देखकर उतना ही मजा आता है जितना कि किसी फिल्म को देखकर। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आप किस सीरियल को स्टार प्लस का नंबर वन सीरियल मानते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़े और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।